हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजस वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आप सबके साथ बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके साथ बताने के लिए कि मैं आज क्या बना रही हूँ, हर अलग अलग आइटम बनाने के लिए शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल अप्पम। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस बनता है, काफी टेस्टी लगता है। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज कमेंट करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम भी बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल अप्पम। तीन कटोरी चावल लिया था और एक कटोरी उड़द की दाल ली थी और इसको मैंने भिगो के रखा था 7-8 घंटे के लिए। फिर दूसरे दिन है ना, मैंने मिक्सर में पीस लिया और दिन भर मैंने बैटर आने तक रख दिया था ये पतीले में। और नमक पहले से डाल दिया था इसके अंदर ताकि जल्दी फॉर्मेट आ जाए। ये देखिए मेरा कितना बढ़िया से फॉर्मेट आ गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया से मेरा फॉर्मेट आ गया है। अप्पम बनाने के लिए मैं लूंगी डोसे का बैटर। करीब 3 कप है। अब मैं उसके अंदर डालूंगी, आप वेजिटेबल अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं डाल रही हूँ कैरेट, मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्च, टमाटर, कैप्सिकम, प्याज और कद्दूकस किया हुआ अदरक, टेस्ट अनुसार नमक। अभी मैं मिक्स कर लूंगी इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मेरा मिक्स हो गया है बढ़िया से, आप देख सकते हो। ये काफी टेस्टी बनता है, आप वेजिटेबल अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने अप्पम मेकर लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा अंदर ऑयल ग्रीस कर लिया था, अब गैस पे भी चढ़ा दिया था मीडियम आंच पे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चम्मच की हेल्प से, हम इस तरह से मैं भर लूंगी। ये मैंने अप्पम का बैटर इसमें भर लिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ 3 मिनट के लिए। अब हम दूसरी तरफ पलटा लेंगे। इस तरह से बाकी भी पलटा लेते हैं हम। इस तरह से मैंने सारे पलटा दिए हैं। इसे हम मीडियम आंच में ही पकाएंगे क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, ज़्यादा तेज आंच करेंगे ना वो जल जाएगा। तो बस अभी 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो दोनों तरफ बन चुका है। मैं अब निकाल लेती हूँ, बाकी के ऐसे ही हम बना लेते हैं। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म वेजिटेबल अप्पम खाने के लिए रेडी है। आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।